हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो मैंने बड़ी गलती की है, आप वो गलती कभी मत करना। यानी कि आप एक पीसी बिल्ड करते हो जिसमें आप काफ़ी पैसे लगाते हो, तो उसमें मैंने भी ऐसे किया। कम से कम 16-17 हज़ार का एक पीसी बिल्ड किया था, उसमें पावर सप्लाई मैंने एकदम चीपेस्ट क्वालिटी की लगाई, जिसने मेरे मदरबोर्ड को और 2 TB की हार्ड ड्राइव को ख़राब कर दिया, जो कि एकदम चिपेस्ट था। तो मदरबोर्ड अब बिल्कुल चलता नहीं है। मैंने ठीक करवाने के लिए भी दिया था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, भाई नया ख़रीद लो। तो मेरे पास ये पीसी था जो ख़राब हो चुका है पावर सप्लाई की वजह से, इसीलिए हमने एक नई पावर सप्लाई का इंतज़ाम किया है दूसरे कंप्यूटर के लिए, ताकि मेरा दूसरा कंप्यूटर ख़राब नहीं हो जाए। उसके लिए हमने कोर्सर की 450 वोल्ट की पावर सप्लाई खरीदी है, और ये हम चेंज करेंगे अपने इस पीसी में, जिसमें मैंने 10th जनरेशन का सीपीयू लगाया हुआ है। इसमें भी मैंने लोकल लगा रखी है, लेकिन मेरा एक पीसी ख़राब हो चुका, इस वजह से मेरे को काफ़ी लॉस हुआ है। तो मैंने अब अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें चेंज कैसे कर सकते हो अपने SMPS को, लेकिन इससे पहले अपन एक SMPS देख लेते हैं कि अपन को कैसा SMPS चाहिए। अपने को SMPS हमेशा ऐसा लगाना चाहिए जिसमें जो सेटिस्फाइड हो और एक ब्रांडेड कंपनी का हो। जैसे कूलर मास्टर का आप ले सकते हो, क्रूशियल का ले सकते हो। मैंने क्रूशियल का लिया है। आजकल तो एक नई कंपनी भी आ चुकी है, लेकिन मैंने कोर्सर का लिया है। आपको चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ये SMPS लगा हुआ है, इसके 4 स्क्रू इधर की साइड में है, मैं अब भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके 4 स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसको आपको सिर्फ इजीली खोलना है। और अगर आपको लगाना नहीं आता कि SMPS को कैसे लगाया जाता है, तो आप वीडियो में बने रहिए। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, तो अपने SMPS जो पुराना लगा हुआ है, उसकी आप फ़ोटो खींच सकते हो कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है। दूसरा, हम तो आपको बता ही देंगे कि आपको कैसे सेट करना है। लेकिन लगाने से पहले आप एक बार कंप्यूटर में सारे वायरिंग चेक कर लेना, ताकि आपका कंप्यूटर इसको खोल ख़राब लेते नहीं हो। हैं, आप लाइव ही रहना, जो भी हम काम करेंगे आपके सामने करेंगे। जैसे ये इधर की तरफ 4 स्क्रू होते हैं, आपको इनको इजीली खोल लेना किसी भी स्क्रू ड्राइवर से। देखिए, हम ऐसे इसको खोल लेते हैं। बस ये है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसके जहाँ पर भी वायरिंग है, उनको इजीली आप निकाल लीजिए। जैसे मैंने SSD में से निकाल ली, और ये एक पावर केबल है, इसको थोड़ा सा जोर लगा के आपको निकालना पड़ेगा। मैं अपने को और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इसके जो पिन्स है, वो एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ये देखो, लोकल है, इसका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। ये वायरिंग भी देखो कितनी छोटी है। अब ओरिजिनल दिखाते हैं हम आपको। ये देखो ओरिजिनल, इसका वज़न इससे कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा है, जिसको आप हाथ में लेते ही बता दोगे। अब इसको लगाने से सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर अच्छी तरह से फिट कर देना है। सारा काम आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लेके कर सकते हो। अब इसके स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। एक मिनट रुकिए। स्क्रू टाइट कर देते हैं, और आपको ये प्रॉपरली करना है और टाइम लेके करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वरना आपका पीसी भी ख़राब हो सकता है। चेक कर लेना है कि सारा एकदम से टाइट हो गया है या नहीं हुआ। अब उसके बाद आपको सिंपली सबसे पहले ये जो
चॉइस पिन वाली पिन है, इसको आपको सेट करना है। और इसका ये जो हुक है ना, जहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसको आपको इधर की साइड के में करना है। जैसे आप देख सकते हो हम कैसे लगाते हैं, ये देखो इसका, और ये यहाँ पर ये पिन है, इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है आपको। ये एक 8 पिन का सा दिखेगा आपको, जो लोकल आती है उसमें 4 ही पिन आती है, लेकिन इसमें 8 पिन आती है, जो आप अलग भी कर सकते हो इसको। जैसे अभी दिखा, ये देखो अलग हो गई। अब देखो इसके ऊपर CPU लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर ये CPU फैन है, सॉरी CPU का पावर दे रखा है इसमें आप, जिसको अपन हार्ड डिस्क के लिए, और CD ड्राइवर है आपका तो उसके लिए और यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इसको भी अपन फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखो पूरा सेटअप कर लिया है, और थोड़ी सी केबल मैनेजमेंट का इशू रहता है, क्योंकि ये कैबिनेट है वो थोड़ा सा चीपेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट है हमने टॉप क्वालिटी के किए हैं। जैसे हमारा मदरबोर्ड H510 है, और अब ये अभी हमने पावर सप्लाई चेंज की है क्रूशियल की, और प्रोसेसर है अपना i5 10th generation का, जिसको अब अपन चला के देखते हैं कि हमने जो सेटअप किया वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। देखो हमने जो अभी केबल मैनेजमेंट किया है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको अपन देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, यानी कि अपनी जो केबल मैनेजमेंट हुई है वो एकदम बढ़िया हो गई। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।